Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the digital image processing class. Today, we will focus more towards the problems being faced by the students, as I was having a huge feedback of the issues which the students were facing. So, जो मुझे अभी तक feedback मिली है, जिसमें एक problem आया हुआ है, जिसमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, फिर सेकंड इशू रिसोर्सेज का है, थर्ड इंटरनेट की लिमिटेड कनेक्टिविटी का इशू है. ओके, सो यू कैन गो वन बाय वन इन द क्लास, बारी बारी बताएं. अगर किसी और आप किसी क्लास फेलो का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताएं कि मैं उसका भी इशू सुनना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. अच्छा जी, एक मुझे कनेक्टिविटी का इशू है कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. नॉट एट ऑल, बिल्कुल कोई स्टूडेंट ऐसा है कि किसके पास बिल्कुल इंटरनेट ना हो, आपका कोई क्लास फेलो जिसका आपको पता हो कि जीरो लेवल का इंटरनेट हो जिसके पास. सर, हमारी क्लास में फिर उसामा शम्स ही है. उसामा शम्स, उसके पास इंटरनेट होता है, उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो मेरे साथ एफआईपी कर रहे हैं ना, तो मुझे उसका पता है, उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है. उसको बेसिकली ना प्रॉब्लम आया है, उसको एक कार्ड नहीं मिल रहा था. उसके पास वहां पे 2G अवेलेबल होता है, 3G की कनेक्टिविटी के लिए उसको ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ता है. तो इसका मतलब सर ये उन्हें इंटरनेट नहीं है उसके पास, 2G पे वो क्या बात करेगा? इंटरनेट इंटरनेट जीरो लेवल की कनेक्टिविटी की अब्दुल्ला मैं बात कर रहा हूँ, कि बिल्कुल कोई इंटरनेट नहीं, जिनके पास बिल्कुल इंटरनेट नहीं. सर ऐसा तो कोई लड़का नहीं है. हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफा एक कोई जगह ऐसी मुझे हो कि बिल्कुल इंटरनेट नहीं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली चीजों को एड्रेस आउट करूँ. लेकिन सर अगर लिमिटेशंस की बात करें तो इसका मतलब है कि जीरो कनेक्टिविटी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर सकता, सही क्लास ही मिस कर देगा वो. अच्छा, वो मैं बताता हूँ, चीज को बताता हूँ कि हाउ दैट विल हैपन, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा मुझे और कोई इशू, तो मेरे पास तीन इश्यूज हैं. कोई और किसी का कोई प्रॉब्लम है इनके अलावा? सर ये तो हो गए कनेक्टिविटी और रिसोर्सेज के हो गए ना इश्यूज. हाँ, उसके बाद जो बात आती है स्टडीज के लिहाज से, वो यही है कि ऑनलाइन क्लासेस में वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है फेस टू फेस जो टॉकशॉप होती है हमारी, उससे हटके ही है सारा काम. क्या चीज डिफरेंट? और ये मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ट्रबल सम है, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये ऑनलाइन क्लासेस का. सर ठीक है, सीधी है, ठीक है. तो फेस टू फेस जो हम तक सारा अब तक सारी क्लासेस चलती रही है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनका और उनसे सही तरह क्लासेस नहीं ली जा रही है. ओके जी, ठीक है. और इसी में फिर ये इशू भी आता है कि जब इस तरह ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं क्यू एंड एज में, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. अच्छा, ठीक हो गया, क्यू एंड ए इश्यूज हैं, ठीक है. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस क्यू एंड ए, और इसके अलावा स्टडी में सर ये मेजर दो इश्यूज ही हैं. अगर यही चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं तो फिर हमें फिर फायदा क्या है? मैं अब्दुल्ला ये मैं इनको एड्रेस करता हूँ, ठीक है. जो जो फर्स्ट टाइम वाली जो चीज है ना, वो तो यू विल ऑलवेज गोइंग टू हिट इट नो मैटर व्हाट. ये तो दुनिया में हर दफा आप जो भी काम करेंगे ना, वो ऐसे ही होगा. मैं ये कहूँ कि जी मैं पहली दफा सऊदी अरब जा रहा हूँ, मुझे तो अरबी नहीं आती, सो ये हमेशा इशू होगा. दिस विल बी देयर, यू आर गोइंग इन दिस यूनिवर्सिटी, तो भी पहले सेमेस्टर सिस्टम में आके सर मुझे तो पता नहीं लगा मैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो यू हैव टू कोप अप अलोंग विद इट. मेरे लिए भी जब मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर डिलीवर किया था, तो फॉर मी लाइक इट टुक मी को 3 घंटे मुझे लगे थे. पहले मैं प्रिपेयर मैंने अपने आप को किया, उसके बाद फिर मैंने लेक्चर डिलीवर किया था. और फिर मेरा घर में स्टूडियो है, तो मैंने स्टूडियो को सेटअप करना, सर्वर सेटअप करना, ये सारी चीज़ों से मैंने वो जो है ना इन प्रॉब्लम से टैकल आउट किया. अच्छा जी, ये मैं ना इसके मैं बारी बारी फिर मैं एड्रेस करता हूँ. जो क्यू एंड ए वाला सेशन है ना, मैं आपको जूम का थोड़ा कनेक्टिविटी का बताता हूँ कि जूम में क्या क्या ऑप्शन है, ताकि आप लोगों को जूम का भी आइडिया हो कि जूम को आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को कैसे अच्छे तरीका से
यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास ना यहाँ पे एक ऑप्शन होती है जिसमें आप रेज हैंड की ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है सर। देखिए अब्दुल्ला आपके पास रेज हैंड की ऑप्शन आ रही है। वो नहीं सर, अभी तक तो नहीं आ रही है मेरे पास। चैट में आके अपना मैसेज टाइप करें। सही है सर, ऑप्शंस में है। ओके, यू डू दैट, रेज हैंड करें। अच्छा, अब मेरे पास ना जब आप रेज हैंड करते हैं ना, तो मेरे पास आपके केस में, एक मिनट, अच्छा आप एक तो ये कि जितने लोगों के पास वो कोई को दोस्त वगैरह है तो उसको ना आज की वो मीटिंग का पासवर्ड भेज दें। अच्छा, जब अब्दुल्ला आपने ये रेज हैंड की ऑप्शन की है ना, तो मैं आप मेरे पास चैट में सबसे पहले नंबर पे आ गए, ठीक है, और मैं आपका क्वेश्चन को एड्रेस कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली अपडेट से मैंने आपकी बात सुन ली है तो मैं आपका हैंड लोअर कर सकता हूँ। अब आपके पास वो ऑप्शन खत्म हो गई होगी हैंड रेज वाली। जी, ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ डिस्कशन, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये ओ कौन है, ओ ऑनलाइन, और एक दो बंदे करें ताकि यू हैव एन आइडिया कि हैंड रेज। अरीज, आप हैंड रेज करें ना, इस ऑप्शन को यूज करें। ओके, दैट्स नाइस। तो मेरे पास रीज की भी ना हैंड रेज की ऑप्शन आ गई, सो आई कैन एड्रेस हर, या तो मैं चैट पे उससे कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं उसका हैंड लोअर कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने उसका क्वेश्चन आंसर कर दिया और फिर मैं उसका हैंड लोअर कर सकूँ। अच्छा जी, मून पूछ रहा है कि सर कहाँ पे ऑप्शन है। मून कौन है ये बच्चा? एक मिनट, इधर सीआर को पासवर्ड भेजने दें। हाँ जी, अच्छा मून, आपको ऑप्शन मिल गया, दैट्स गुड, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जब आपने हैंड रेज किया ना, तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ आपके माइक को, और आप वहां से अपने पास ऑप्शन है इसको यूज कर सकते हैं। और जब मैंने ये आपको लट से मैंने मैसेज कर दिए हेलो, सो आपके पास मेरा मैसेज भी आ गया और अकॉर्डिंगली मैं आपका हैंड लोअर भी कर सकता हूँ। सो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन, इट्स जस्ट लाइक सेम इन द क्लास, हैंड रेज करने वाली चीज। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास जूम में और कैपेबिलिटी होती है, आप चैट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो आपके पास ग्रुप चैट है, और साथ आप मुझे प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं। सो एक दो लोग ये भी करके देखें, अब्दुल्ला मुझे मैसेज करें आप प्राइवेटली। सो यू हैव मैसेज मी हाय एंड आई एम मैसेजिंग यू हेलो, राइट, एंड लेट्स से कोई क्यूरी समझ नहीं आ रही, सो मैंने खुद ही रिस्ट्रिक्ट आउट किया था बिकॉज ऑफ द क्लास डिस्कशन, बिकॉज जो है ना क्लास में कुछ इनअप्रोप्रिएट चैट्स आ गए, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू फिल्टर आउट द चैट्स अर्लियर। सो टुडे आई एम अलाउइंग दिस। सो आप लोग पब्लिकली भी चैट कर सकते हैं
और साथ आप प्राइवेटली भी चैट कर सकते हैं मेरे साथ। सो अब आप लेट से मेरे अलावा आप ग्रुप में चैट भेजना चाहें तो आप पब्लिकली टू एवरीवन आप चैट सेंड कर सकते हैं। एक मिनट में सिर्फ एक मिनट के लिए जी मैं जरा वीडियो स्टॉप कर लूंगा, एक मिनट। अच्छा मैं कहीं गया नहीं हूँ, सर्वर भी ऑन है। एक मिनट टाइम मैं रिज्यूम करूँ। अच्छा जी अब्दुल्ला, आई होप कि जो है ना ये हैंड रेजिंग वाली ऑप्शन जो है ना आपके क्यू एंड ए वाले चीज को बेहतर कर देगी। चले सर, ये तो वो इश्यूज हो गए जो रिगार्डिंग स्टडीज हैं हमारे। हाँ, और ये भी कुछ हैं और भी, मैंने जो भी फीडबैक स्टूडेंट्स ने दिए, मेरे फेलोज ने दिए, मैंने सारे नहीं देखे, जो कुछ मुझे मेनली नजर आया मैंने उनको आपके सामने रख दिया है। अच्छा, तो मैं कोई स्टूडेंट्स है नहीं तो मैं और आपको ना जूम की कैपेबिलिटीज जो है ना वो मैं बता देता हूँ ताकि वो भी आप प्रैक्टिस करें और आप वो भी कर सकते हैं। लेट से मैं एक स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, या मैं आपसे कहता हूँ कि जी ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के अंदर जो है ना मैं ये इसकी आईज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो आप चाहते हैं कि सर मुझे इसकी ना आईज का नहीं पता लग रहा। सो आपके पास यहाँ पे कैपेबिलिटी है, आप पार्टिसिपेंट होते हुए आप यहाँ पे मेरे बोर्ड में नोटेशन भी कर सकते हैं। आपके पास नोटेशन का टूल होगा तो आप उसको यूज करें और मेरे कंप्यूटर के ऊपर भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। सो अब्दुल्ला, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की है ना, आप इसकी आईज के अंदर कोई सर्कल बना दें। यस, सो जैसे ही आप इसमें कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो मुझे साथ साथ नजर आ रहा है कि किसने इसमें सर्कल ड्रॉ किया। सर ये तो हो गया सारा जो आपने, ठीक है, स्टडीज वाले भी कुछ बातें डिस्कस हो गई हैं, लेकिन जो अब्दुल्ला जमील अभी अभी मैसेज किया है, शायद आपने देखा होगा, वो अभी उसने जो इशू सामने रखा है कि ऑफिशियली ये चीज डिक्लेयर हो चुकी है कि हमारी वेकेशंस चल रही हैं। ओके, लेकिन इन वेकेशंस के अंदर वेकेशंस तो नहीं है हमारी। अब समर वेकेशन के अंदर प्लान्स होते हैं स्टूडेंट्स के, हमने ये कोर्स भी करना है, वो भी करना है, ये काम है, वो काम है, उनको छोड़ के फिर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए तो हमारी समर वेकेशन ना हुई। अच्छा, जहां तक जो है ना अब्दुल्ला समर वेकेशन का ताल्लुक, मेरे पास ना HEC का नोटिफिकेशन पड़ा है तो मैं आप लोगों को भी ना वो नोटिस भेज दूंगा जिसमें HEC ने ये गाइडलाइन दी हुई है कि आपने ऑनलाइन अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे करना। और अभी जो लास्ट HEC की मीटिंग हुई थी उसमें इट वॉज डिसाइडेड के स्टूडेंट्स की क्लासेस को ऑनलाइन इंगेज किया जाए, बट ऑन टॉप ऑफ इट आई बिलीव इन दिस थिंग के जैसे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बम्बार्ड ना की जाए, बिकॉज दिस यू आर न्यू टू दिस, आप लोग सारे इसमें एक नए इस सिस्टम में आए हैं तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सेकेंड मतलब ये मेरे अपनी तरफ से ये है कि मैं चीज़ों को ना फोर्स आउट नहीं करना चाहता, आई डोंट लाइक इट कि चीज़ें फोर्स आउट हों। सो दैट्स व्हाई मैंने जो है ना आई बिलीव दिस के चीज़ों को आप रश आउट ना करें बल्कि स्टॉप करने के बजाय लिमिटेडली यूज जरूर करें। और दूसरा ये कि एक और हमारे पास फिर ये ऑप्शन अगली होती है जो मेरी नज़र में एज अ इंस्ट्रक्टर आई डोंट फील मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स इट, कि जैसे यूनिवर्सिटी शुरू हो तो मेरे पास जो है ना 2 महीने का टाइम
सो कॉल्ड है, लेकिन वो दो महीने नहीं होंगे, दो महीने से भी कम होंगे। उसमें से आप दो महीने में से एग्जैक्टली 16 दिन ओवर निकाल दें जो आपके वीकेंड होते हैं, और उसमें आपने सारा कोर्स खत्म कराना है। सो हाउ इट विल हैपन? हेलो, ओके, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सो लेट मी आस्क टू थ्री और मोर पार्टिसिपेंट्स ऑन दिस इशू। अरीज, एडमिट Reed and Sumaira, they are taking the classes right from the beginning. उन्होंने कोई क्लास मिस नहीं की मेरे पास अभी तक। इनकी जो अटेंडेंस है ना वो 100% आई हुई है। Reed, कोई इशू आपको आता है क्लास के अंदर तो वो बताएंगे। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लाइक किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, किसी का पैकेज एंड हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो दोबारा रीपैकेज करवाना ये थोड़ा इशू हो रहा है। जैसे रिसेंटली मेरा हुआ था तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पैकेज वाली जो चीज है ना वो मैं इसको पर्सनली रिजॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस इज नॉट अ फैसिलिटी व्हिच इज डन फ्रॉम द KICSIT। सो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का लॉस ना हो। अगर किसी को पैकेज का प्रॉब्लम आता है प्लीज मुझे या तो पहले ईमेल कर दें या अपने क्लास फेलो के थ्रू मुझे बता दें। अगर आपको कार्ड का प्रॉब्लम है लेट मी नो, मैं आपको मैं कार्ड खुद खरीद के भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। बिकॉज मैं देखो अब्दुल्ला, मैं ये फिर एक चीज दोबारा क्लियर ये बताना चाहता हूँ कि मैं फ्रॉम माय साइड आई डोंट फील मोर कंफर्टेबल कि मैं आपको दो महीने के अंदर सारी चीजें बम्बार्ड करूँ। और दूसरी चीज ये कि ये जो इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स है ये कोर कोर्सेज में से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक कोर्स है। सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप किसी जगह पे जाएं और आपके पास ये कोर्स ना हो। ठीक है जी, ओके। सो मेरे पास ना आज ये इससे रिलेटिंग चार क्यूरीज थी, कनेक्टिविटी की क्यूरीज थी और लर्निंग के कुछ इश्यूज थे। सो पहले अब्दुल्ला ने मैं कनेक्टिविटी का इशू बताया कि लोगों के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, आई एग्री विद दैट। रिसोर्सेज और इंटरनेट अवेलेबल नहीं है बिल्कुल। जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो एक स्टूडेंट है उसामा शम्स, और उसके पास इंटरनेट होता है लेकिन ही हैज़ टू गो लिटिल फार अवे। और फिर दो कोहार्ट के स्टूडेंट्स हैं तलहा खटक और हिलाल अमीन, उनके पास इंटरनेट के लिए उन्हें जगह चेंज करनी पड़ती है बट द इंटरनेट इज विद देम। अच्छा, उनके लिए मैंने एक ये फैसिलिटी अलग से इस्टेब्लिश की है कि आप बाद में यूट्यूब पे जाके जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होती है इसको जाकर देख सकते हैं। ओके जी, सो आई विल टेक क्यूरीज फॉर मोर मिनट्स, टू थ्री मोर मिनट्स, और फिर हम ना आज ज्यादा नहीं कवर करेंगे। वी विल गोइंग टू हैव स्मॉलर पोर्शन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग लेक्चर टू इट। Should I start over? Okay, let me just start over in a minute. So, मैं आप लोगों को ना एक
वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, डू सी दैट वीडियो के टेक्नोलॉजी इस वक्त किस साइट पे जा रही है. Just give me 2 minutes while this starts over. एक मिनट जी, मैं वीडियो को ना शिफ्ट ओवर कर रहा हूँ. ओके, सो आई हैव दिस इमेज प्रोसेसिंग पोर्शन. हमने लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखा था. फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में करते हैं कि हम चीजों को बजाय स्पेशल डोमेन में पॉइंट पिक्सल पे देखने के बजाय हम चीजों को देख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इमेज. सो इमेजेस को भी हम फ्रीक्वेंसी में ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिमिलरली जिस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर पार्ट्स होते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक सिग्नल दिया हुआ है जो 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मिलके बना हुआ है, और इन फ्रीक्वेंसी से मिलने के बाद यहाँ पे ये सिग्नल हमारे सामने है. इस फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम रिवर्स कर सकते हैं इसके अपने ओरिजिनल पार्ट्स में भी, और साथ ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में भी. सो इट्स अ वाइस वर्सा प्रोसेस. यू आइदर यू कैन गो टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन और यू कैन गो टुवर्ड्स द स्पेशल डोमेन. सर, इसमें अगर हमारे पास ये 3 सिग्नल हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो लास्ट सिग्नल बना है जिनके कॉम्बिनेशन से, तो उसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होगी? अच्छा, जब आप सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हैं तो हर दफा जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल होता है वो हमारे पास एज इट इज प्रिजर्व रहता है. आई रिपीट दिस अगेन, हमारे पास कोई सिग्नल लॉस नहीं आ रहा होता. हमारे पास सिग्नल जो है ना वो प्रेजेंट जरूर होता है. सो इट्स नॉट कि आप कोई भी सिग्नल लॉस हो. ऑलराइट, सो हमने देखा कि हमारे पास 3 तरह के टूल्स हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल को आगे एनालाइज करने में, स्टेप फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन. इम्पल्स स्टेप फंक्शन क्या करता है कि 0 के बाद अपने आप को 1 कर लेता है और आप सिग्नल को इसके बाद मॉनिटर कर सकते हैं. यानी 0 के बाद अपने आप को 1 कर लेता है और उसके बाद ये, और 0 से पहले ये अपने आप को 0 रख रहा होता है. सिमिलरली रेक्टेंगुलर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें 0 की बजाय हम एक सर्टन टाइम इंस्टेंट के ऊपर इसको ऑन करते हैं और सर्टन टाइम इंस्टेंट के ऊपर इसको ऑफ करते हैं. जब सिग्नल ऑन होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब सिग्नल ऑफ ऑन नहीं होता तो इसकी वैल्यू 0 होती है. और सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है जिसमें हम एक इम्पल्स देते हैं. इम्पल्स का मतलब है सिंगल पल्स दी जिससे आपका सिग्नल ऑन हुआ, और ऑन होने की वजह से आप सिस्टम का बिहेवियर देख सकते हैं. ये जो ऑन होने वाली चीज है जिस टाइम आप उसे इम्पल्स देते हैं तो इसका मतलब है उसका टाइम ड्यूरेशन equivalent almost equal to 0 होता है, not 0, almost equal to 0. This is limit such that this is approaching towards 0 and the output of the amplitude of the impulse is equal to infinity. यानी maximum signal का output इसमें दे रहे होते हैं.
और इम्पल्सिस को आप डिले भी कर सकते हैं. डिले करने का मतलब है कि मैंने टाइम इंस्टेंट जीरो पे भी दे सकता हूँ और मैं अगले इंस्टेंट पे भी इसको दे सकता हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिलेइंग फैक्टर जीरो, डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री, आप सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और सिग्नल को मॉनिटर कर सकते हैं एट डिफरेंट इंस्टेंसेस और सिग्नल को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल ले रहे होते हैं. एंड फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिग्नल से बन रहे होते हैं. कॉम्प्लेक्स सिग्नल की प्रॉपर्टी देखी थी आयोटा स्क्वायर, आपको पता है वो माइनस वन की इक्विवेलेंट होता है, और दिस इज इक्विवेलेंट. और कॉम्प्लेक्स सिग्नल में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, और इसका इन्वर्टेड, अगर आप इसका इन्वर्ट ले लें तो बेसिकली जो इमेजिनरी पार्ट है उसका इन्वर्जन होता है. एंड देन व्हेन यू टेक द मैग्नीट्यूड दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर हमने दो टूल्स देखे थे कि जिसमें एक हमारे पास टेलर सीरीज है. टेलर सीरीज क्या करता है कि रिस्पेक्टिव सिग्नल के कंपोनेंट्स को मिला के एक सिंगल सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर देता है. फोरियर सीरीज इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस है, वो ओरिजिनल जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है उनसे मिला के कॉम्पोनेंट बनाता है. टेलर सीरीज क्या करता है कि आपके पास डिफरेंट सिग्नल को मिलाता है और एक सिंगल सिग्नल बनाता है, और फोरियर सीरीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट को मिला के एक कंपोनेंट बना रहा होता है. सो इसका मतलब है कि हम सिग्नल को फोरियर सीरीज से और साथ ही हम सिग्नल को हम टेलर सीरीज से ब्रेक डाउन कर सकते हैं. यानी अगर आपके पास ये जो सिग्नल नजर आ रहा है बी डैश ऑफ एक्स, बेसिकली ये एक स्क्वेयर वेव का सिग्नल है जिसके अंदर हमने सिग्नल के अंदर तीन कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, बिकॉज डिजिटल डोमेन में आप तीनों कंपोनेंट्स को एक स्क्वेयर वेव के सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते आइडियली. सो आइडियल के करीब जाने के लिए हमने क्या किया, तीन सिग्नल्स को आपस में मिलाया और उससे हमारे पास एक स्क्वेयर वेव का सिग्नल आ गया. अगर मैं इसकी इमेज प्रोसेसिंग की बात करूं तो इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए या सिग्नल एनालिसिस करने के लिए किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपको उसके कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, और कंपोनेंट्स का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास का टाइम डोमेन सिग्नल प्रेजेंट हो जाता है, और उसको अकॉर्डिंगली हम इसके उन कंपोनेंट्स में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिसको हम इसके फेजर कंपोनेंट कहते हैं, जिसको हम आयलर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे जो आपने सिग्नल एंड सिस्टम का कोर्स ऑलरेडी देखा हुआ. सो अगर आप ये वाली स्लाइड देखें तो हमने इसमें तीनों सिग्नल को अलग अलग ब्रेक डाउन किया, यानी बी वन ऑफ एक्स, बी टू ऑफ एक्स और बी थ्री ऑफ एक्स. इन जब तीनों को मिलाया तो आपके पास बी डैश ऑफ एक्स रिकंस्ट्रक्ट हो गया और जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था. और बेसिकली यहाँ से जब हमने ब्रेक डाउन किया तो हमें क्या पता लगा है, पहला सिग्नल साइन है, दूसरा सिग्नल भी साइन और तीसरा सिग्नल भी साइन है, बट द डिफरेंस इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल टू इट, यानी तीनों की फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट डिफरेंट था और इससे आपने ओरिजिनल सिग्नल को बना लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमेज प्रोसेसिंग ऑफ इट. ये हमारे पास एक इमेज था जो टू डायमेंशनल इमेज है, एक्स और वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन की फॉर्म में, और इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं. यानी ये जो सेंटर में देखिए ना, ये एफ मॉड ऑफ एफ यू ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि ये इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है जो इसका डीसी कंपोनेंट भी, और ये इमेज इसके अंदर लाइट भी यही कंपोनेंट दे रहा होता है जितनी इमेज में लाइट होती है. सो अगर आप ये लीना वाला लास्ट इमेज देखे ना जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, तो उसमें डीसी कंपोनेंट हमने इसमें एलिमिनेट कर दिया. अच्छा जी, द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स ऑफ इन लाइक 30 seconds, सो वी विल रीजॉइन आफ्टर दिस सेशन टू इट एंड आई विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम दिस.